राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। आगरा में नारी सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के तहत आगरा फोर्ट GRP थाने पर कक्षा 9 की छात्रा वैष्णवी सिंह को एक दिन का थानेदार बनाया गया। थानेदार बनते ही वैष्णवी ने थाने की बारीकी से जांच की। वीओ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विभिन्न थानों के अंदर छात्राओं को एक दिन का चार्ज देकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य चल रहा है। आगरा जिले के फोर्ट रेलवे स्टेशन GRP थाने पर कक्षा 9 की छात्रा वैष्णवी सिंह को एक दिन का थानेदार बनाया गया। वैष्णवी सिंह ने चार्ज लेते ही आने की बारीकी से जांच चक्कर थाने पर तैनात सभी के साथ एक मीटिंग थी। अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर भी कुछ जानकारी लेते हुए कहा कि जिस प्रकार आज थाने की जिम्मेदारी मिली है, उन्हें गर्व है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई, आगे चलकर मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाती रहूंगी। गर्व की बात है कि जिस प्रकार मुझे थाने का चार्ज दिया गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी वैष्णवी ने अपनी राहत रखते हुए कहा कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वाईके सिटी न्यूज से हरजीत सिंह, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट, आगरा से। वैष्णवी सिंह, कैसा अनुभव, क्या कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। आई एम वेरी लकी कि मुझे एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिशन शक्ति के बारे में लोगों को बताने के लिए और इसको स्टार्ट करने के लिए, लड़कियों को थाना प्रभारी बनाने के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सर ने दिखाई, जैसे मैंने इनका स्टेशन देखा, थाना देखा, RPF का स्टेशन देखा है और पूरा प्लेटफॉर्म चेक करा। मैंने TT के लिए जो भी रेस्ट रूम्स होते हैं वो चेक करे हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, पुलिस जैसे सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए ही होती है। अगर पुलिस व्यवस्था इस देश को नहीं दी जाती तो क्राइम नाम का शब्द काफ़ी बढ़ जाता। पर जैसा कि इस देश ने इस देश की जनता के लिए सेवा के लिए पुलिस व्यवस्था हमें दी गई है, तो सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए ही पुलिस व्यवस्था हमें दी गई जी। और जगह सुविधा खोलेंगे तो नहीं मिलेगी ना? जी जी, देखिए इसका उद्देश्य एक बच्ची को थाना प्रभारी का ये मतलब है कि एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता पैदा करना, खास करके महिलाओं, बच्चों और बच्चियों में, कि जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी दूर हो जाए, जो नकारात्मकता है, इस उद्देश्य से। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम इनको थाना प्रभारी अगर बनाए हैं तो थोड़ा सा ये पुलिस की कार्यशैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि पुलिस के क्या क्या काम है, कैसे FIR लाज होती है, कैसे हम लोग कार्रवाई करते हैं, ये उद्देश्य है। तो जो इसका मेन जो कंक्लूजन है, सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि थाना प्रभारी बनाने का मतलब ही ये हो गया है कि महिलाओं में, बच्चों में, बच्चियों में एक उत्साह पैदा करना, एक जागरूकता पैदा करना और जो पुलिस के प्रति नकारात्मक भाव है उसको दूर करने का पूरा प्रयास है। अब आप हमसे अब खाने का चार्ज ले, ठीक है? अब आप सुनो, ये देखिए क्रम संख्या बना, मुकदमा अपराध संख्या धारा, ये पहले फर्स्ट में जिस्ट बनते हैं उसको खतौनी करते हैं। धारा दिनांक घटना, दिनांक घटना, घटना स्थल, वादी, मुलजिम, विवेचक और रिजल्ट क्या हुआ, कितने चार्जशीट लगी, कितने एफ आर लगी, ये बता देते हैं। तो उन्होंने जो है लिख दिया, लिखा हमारे पे वो हम इस पर करा देते हैं, इस पर मतलब चीजें करते हैं। यहाँ जो जाती है योजना, जैसे यहाँ अपना कन्या हो गई,
पंजीकरण ये होता है पंजीकरण आप अपना दुनिया रिपोर्ट देते हैं सामान चोरी हो गया पंजाब की घटना आ गई वो हम लोग देखते तो हम लोग दोनों लोग एक दूसरे को ऑपरेशन से काम करते हैं ठीक है ये लोग भी स्पोर्ट करते हैं गाड़ियों में हम लोग भी स्पोर्ट करते हैं क्यों एक बार घुमाने का वहाँ आइए इधर चलते हैं कोई तो आदमी होगा आपको बताने के लिए रमेश बाबू अरे सुनो भैया अरे आगे अरे थोड़ा सुनो थोड़ा बता दो उनको रेलवे वाले में अरे सर एक एक सुन बताइए महिला रजिस्टर होता है ना जो महिला आती है बच्चे आते हैं प्रॉब्लम होती है तो महिला हेल्प लिए बना रखा गया अलग पढ़ा करना खाना या एक मिनट जाओ ये कंट्रोल रूम है रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना हाँ और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करना डीआरपी के साथ समन्वय बनाते हाँ हाँ और जैसे मान लो कि रेलवे प्रॉपर्टीज कोई संबंधित हो गए या कोई अवैध टेंडर पकड़े गए या कोई बिना टिकट पकड़ा गया या क्रॉस करता हुआ पकड़ा गया सामान चोरी हो गया फिर की घटना हो गई वो हम लोग देखते हैं तो हम लोग दोनों लोग एक दूसरे को ऑपरेशन पे काम करते हैं ठीक है ये लोग भी स्पोर्ट करते हैं।